मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज ना मैं नैनीताल में हूँ और उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा जू है ना, तो आज वहाँ लेके जाने वाला हूँ आपको। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। तो फटाफट चलते हैं जू की ओर। मार्केट से 2 किलोमीटर ऊपर है तो ये चौराहा है, यहाँ से जू के लिए जाया जाता है। और ये देखिए, और यहाँ से आपको शटल सेवा मिल जाएगी जिसका चार्ज रहता है 60 रुपये पर व्यक्ति। तो आप शटल सेवा लेके भी जा सकते हैं और अपनी गाड़ी अगर लेके जाना चाहते हैं तो काफ़ी रिस्क है ऊपर जाने का, चढ़ाई भी है, काफ़ी कंजेस्टेड है। तो आप लोग देख लीजिएगा और जू का क्या क्या रेट है वो आपको दिखा देता हूँ मैं इसके द्वारा। और ये जो शटल जो आती है ना, ये गाड़ी तो चलते हैं उससे ऊपर की ओर। ये यहाँ से ऊपर को जाते हैं, तल्ली ताल से थोड़ा सा ऊपर है और ये देख सकते हैं आप कितना ज़रा नज़ारा है यहाँ का भी चौराहे का। सेवा रुक जाती है, यहीं से आपको वापस के लिए भी यहीं से मिलेंगे और यहीं तक लेके आते हैं वो लोग। यहाँ से पैदल जाना होता है तो ऊपर तक 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो आराम आराम से आप आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि काफ़ी खूबसूरत रास्ता है और झील वगैरह दिखाई देती है ऊपर को आते टाइम, और काफ़ी अच्छा लगता है। और रास्ते में लोग भी चलते रहते हैं तो पता ही नहीं चलता टाइम का, मेरे को खुद पता नहीं चला कि मैं कब पहुंच गया यहाँ पे। तो आप लोग पैदल भी आ सकते हैं, शटल सेवा भी ले सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं जू की ओर, और यहाँ से ना थोड़ा बहुत है बस और हम पहुँचने वाले हैं। तो चलते हैं भी हैं और काफ़ी अच्छे पोस्टर वगैरह लगे हैं वॉलपेपर वगैरह। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बड़ी मेहनत के बाद, और यहाँ पर एक वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और चलते हैं ऊपर की ओर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जू में एंट्री गेट पे, और चलते हैं और टिकट वगैरह लेते हैं और क्या क्या टिकट प्राइस है वो देखते हैं। और ये है जू का एंट्री गेट, तो चलते हैं फटाफट यहाँ से और टिकट वगैरह का पता करते हैं कितना है लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे। जो टिकट चार्ज है वो 100 रुपये है यहाँ पे, और जो ओल्ड मैन होते हैं उनके लिए फ्री है और बच्चों के लिए फ्री है, और हम लोगों के लिए तो 100 रुपये है। ठीक है, और फॉरनर्स के लिए 300 रुपये। और हमारा टिकट आ चुका है, 100 रुपये टिकट था। और चलते हैं और ये एंट्री गेट है, और यहाँ पर टिकट वगैरह दिखाना होता है, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। और हमारी एंट्री हो चुकी है, तो पहले इधर को देखते हैं क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नैनीताल जू, और काफ़ी बेहद खूबसूरत है यार। स्टार्टिंग में इतना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये लिखा हुआ है,
चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। और तो फाइनली हमारी एंट्री जू के अंदर हो चुकी है और आपको दिखाते हैं ऊपर जाके क्या क्या है वहाँ पे। और काफ़ी खूबसूरत जगह जा रहे हैं बंगाल टाइगर देखने। तो यहाँ पर रहता है बंगाल टाइगर। तो गाइज हम जू के ऊपर टॉप पे पहुँच गए हैं और यहाँ से ना नैनीताल का व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए पूरा नैनीताल कवर हो रहा है और यहाँ पे है बंगाल टाइगर। ये देखिए बंगाल टाइगर का जो पिंजरा है वो यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अभी पर और यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। घर और ऊपर लेके चलते हैं आपको और क्या क्या है वो दिखाते हैं। सफेद मोर देखने के लिए जू में कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर, वहाँ पे हैं आपका हिरन वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें दिखाएंगे आपको, ठीक है। Yeah.
को अभी खाने का टाइम हो रहा है तो हम भी इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो यहाँ से चलते हैं। कैंटीन वगैरह भी है, कैंटीन वगैरह में आप नाश्ता पानी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्टी वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स लोग पे भी शेयर कर लीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।